क्या दावत में मीट की इजाजत मिलेगी? जी हाँ, इस पिता को आस है कि शायद इजाजत मिलेगी और मेरी बेटी की शादी में मेहमानों को मीट परोसा जाएगा। दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक निकाह की दावत योगी सरकार के आदेश में अभी तक फंसी है। मीट की दावत की इजाजत लेने के लिए लड़की के पिता प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इसकी इजाजत अभी तक नहीं मिली है। शादी आज दोपहर में है। ग्रेटर नोएडा के दादरी के रज्जाक मोहल्ले में रहने वाले नजर मोहम्मद की बेटी गुलिस्ता खातून के हाथ पीले करने की तैयारी चल रही है। आज नजर मोहम्मद की बेटी की शादी है, पूरा घर शादी की तैयारियों में जुटा है, लेकिन नजर मोहम्मद चिंता में है। मेरठ से आने वाले बारातियों को वो लजीज मीट खिलाना चाहते हैं, लेकिन नजर मोहम्मद को डर है कि अगर बिना इजाजत के वो बेटी की निगाह में भैंस का मीट बनवाते हैं तो कहीं पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर ले। इनका आरोप है कि एक सिपाही ने दावत में मीट पकाने को लेकर उन्हें धमकी तक दी है। जैसे बाहर लेकर तुरंत पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने कहा अगर बना ली तो बंद कर दूंगा। उसको मुझे नाम की पता नहीं, उसने धौंस बहुत दी वैसे। उसने कहा पक नहीं जाकर लोगों, योगी और मोदी की सरकार है, जो योगी मोदी करेंगे वो हम कर रहे हैं। मैंने कि योगी मोदी सरकार को मैंने थोड़ी कहीं पकाने के लिए है। उसने कि पक ना, अगर देगा पक गया तो हम तुम्हें जेल पकड़ रहे हैं। नजर मोहम्मद का मानना है कि शादी में मीट की दावत नहीं दी गई तो समाज में उनकी तौहीन मानी जाएगी, इसीलिए वो पिछले कुछ दिनों से मीट की दावत करने की इजाजत के लिए शादी की तैयारियों के बीच थाने तहसील के चक्कर काट रहे हैं। कल जो मेहमान आएंगे उनका अभी होगा कोई व्यवस्था नहीं, क्या करें, हम बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत है इस टाइम। योगी सरकार ने साफ कर रखा है कि यूपी में सिर्फ गोमांस पर बैन है, गोमांस के अलावा किसी भी तरह के मीट पर कोई बैन नहीं है। लेकिन 2015 में ही दादरी में एक गांव में बीफ के शक में अखलाक नाम के शख्स की हत्या के बाद कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए नजर मोहम्मद प्रशासन से लिखित आदेश चाहते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।